जाएंगे मीरपुर। और तो कौन था, किस लड़के के साथ आई हो? बाकी कसम हाथ पकड़ के जाऊंगा जहाँ पे तुम लोग होगे। से ले तो लिया लेकिन खुद चूहों की तरह बिल में छुप के बैठ गया। मुझे कभी रे गुंडों का सामना करने के लिए छोड़ दे रहे हो? अगर पिटाई से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने तो किसी मार पिटाई की बात, मुझे मार पड़ी ना बुदा। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? बशीर फहद से कहता है कि तुम डर गए हो। फहद कहता है मैं डर नहीं गया, डर तो तुम्हारे बच्चे गए हैं जो किसी बिल में जाके चुप गए हैं। बशीर का बेटा कहता है कि हम दो चार दिन के लिए यहाँ से चले जाएंगे। बशीर कहता है कि कबीरे के लिए मुझे छोड़ के जा रहा, अगर उसने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं सीधा उसको तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर तुम जानो और कबीरा जानो। साकिब महनाज को पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है। मलिहा साकिब को सारे वाकया बता देती है कि किस तरह बशीर ने हमारे साथ किया और हमें बदनाम करने की कोशिश करे ताकि हम उससे शादी करने को राजी। फायजा के जिसके साथ एक्सीडेंट होता है वो उसे घर छोड़ने आ जाता है। उसकी माँ पूछे कि तुम किस लड़के के साथ आती हो? फायजा कहते हैं मैं नहीं जानती। क्या महनाज साकिब से शादी करेगी? क्या मलिहा और फहद का रिश्ता होगा ये जाने?